Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the SYBCOM Accountancy and Financial Management SEM 3, jiska QP code tha 53791 and subject code tha 79305 of Mumbai University. Model answer jo regular college exam hua tha uska model answer discuss karenge. So here are the answers of the objectives. Objective true or false, तो true or false में काफ़ी easy तरीके से उन्होंने true or false इस बार पूछा है. Question number 1 से लेके question number 7 तक आपके सारे true or false true है, and 8 से लेके 12 तक आपके सारे true or false false है. Then the objectives for the multiple choice questions are also available. First is profit sharing ratio, second is book value, third is profit and loss account, fourth answer is liability, fifth answer is assets, highest relative capital, then credited, then limited, preferential, purchase consideration, loss and preferential. So आप अपने question paper के साथ ही answers को tally करें कि आपने उसके क्या answers लिखे हैं, so that आपको अपने objectives के related marks पता चल सके. देन क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सेस कैपिटल पे, राजाराम तुकाराम सकाराम पे. इसमें यूजुअली ड्राइंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो एक काफ़ी बार कम बार पूछा गया है, तो इस बार ड्राइंग्स आने की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिली मिस्टेक की है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सेस कैपिटल आना चाहिए 56,250, एंड उसका स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है. तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को आपको 11 मार्क्स मिलेंगे. ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन 15 मार्क्स के लिए कैरी करेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में फिर से एक्सेस कैपिटल था हम तुम सब के ऊपर, तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था. इस पे आपको एक्सेस कैपिटल का आंसर आ रहा है 12,500. अगेन सेम मार्क्स, 4 मार्क्स फॉर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट एंड 11 मार्क्स फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. क्वेश्चन नंबर 3 था अमालगमेशन के ऊपर, परचेस कंसिडरेशन आपको काउंट करना था. तो परचेस कंसिडरेशन के स्टेटमेंट को आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, एंड डायरेक्टली बैलेंस शीट वॉज आस्क, तो बैलेंस शीट के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स. अगर आपने यहाँ पे लेजर्स बनाए हैं तो आपको लेजर के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसमें आपको परचेस कंसिडरेशन के वर्किंग नोट को मिलेंगे 4 मार्क्स. देन अगेन आपको परचेस कंसिडरेशन के बाद लेजर पूछा था रियलाइजेशन वाला JL के बुक्स में, रियलाइजेशन अकाउंट को मिलेंगे 6 मार्क्स, पार्टनर्स कैपिटल को मिलेंगे 3 मार्क्स, और न्यू फॉर्म के अकाउंट को मिलेगा 2 मार्क्स. तो इस बेस पे क्वेश्चन नंबर अल्टरनेटिव 2 वाला थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्क्स स्कोर करने के लिए इजी था. क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन के लेजर को मिलेगा 4 मार्क्स, देन परचेजिंग कंपनी के अकाउंट को मिलेगा है 3 मार्क्स, इक्विटी शेयर्स के लेजर को मिलेगा 2 मार्क्स, डिबेंचर्स के लेजर को मिलेगा 2 मार्क्स, कैश अकाउंट 2 मार्क्स, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मार्क्स. तो अल्टरनेटिवली इट विल बी कैरिंग 15 मार्क्स. इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था उसके परचेस कंसिडरेशन के वर्किंग नोट को है 4 मार्क्स, एंड बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट के लिए है 11 मार्क्स. सो अकॉर्डिंगली बहुत से स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मेट से ज़्यादा वो पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा. देन दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फाइनल अकाउंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L यूजुअली हम कंबाइंड बनाते हैं, कंबाइंड बनाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टोटल मिलेंगे उसमें 8 मार्क्स, और आपने अगर अलग अलग बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 5 मार्क्स हैं. देन बैलेंस शीट कैरीज 7 मार्क्स, और बैलेंस शीट के बाद आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर था उसमें भी सेम मार्क्स डिवीजन है. ट्रेडिंग अकाउंट कैरीज 3 मार्क्स, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन कैरीज 5 मार्क्स, पार्टनर्स कैपिटल हियर कैरी 3 मार्क्स, एंड बैलेंस शीट कैरीज 4 मार्क्स. सो दिस इज द ओवरऑल मॉडल आंसर विच आई हैव डिस्कस रिगार्डिंग द सेम 3 अकाउंटेंसी पेपर एज कंसर्न्ड. तो ये आपका मॉडल आंसर है, आप अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली चेक करें और अपने आपके मार्क्स देखें, जज करें अपने आपको कि आपको किस बेस पे मार्क्स मिल सकते हैं और आपने क्या सिली मिस्टेक्स किए हैं. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने प्रेशियस कमेंट्स करो, एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे.